वेलकम बैक नाजीन। ब्रेक के दौरान चिकन बिल्कुल तैयार हो गया था तो हमने आपके सामने यहाँ पे सर्व कर दिया है और अब हम इसके सॉस की बारी की तरफ आएंगे। और आपने जैसे देखा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफ़ी उसमें थोड़ा सा भुना था यहाँ पे हड्डियों को और अब वो बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने कोई स्टेप नहीं लिया, उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 8 कप्स कोकोनट मिल्क। और नाज़रीन इसमें आप शामिल कीजिएगा 1 चिकन स्टॉक की क्यूब, इसको आप क्रम्बल करके और इसको आपने अच्छी तरह एक दफ़ा उबाला देना है और फिर हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है कोई 10 से 15 मिनट। अच्छा नाज़रीन, जब आप सर्व करने से पहले आपने बिल्कुल इस सॉस को छान देना है ताकि सारी हड्डियाँ और प्याज और जो बोन्स हैं उसका जो सारा रस है वो निकल आए और सारा जो उसका सॉस है वो आप किसी भी ग्लास डिश में, किसी भी प्लेटर में, कोई गहरे बोल में आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि इसका हम अच्छी तरह हम इसको हिला लेंगे और आप देखें कि इसका कितना अच्छा रंग भी आ रहा है, बिल्कुल हल्दी जैसा। और ऐसा ही रंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट खासवे की निशानी है। और नाज़िर कोकोनट मिल्क, तो आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आपके जो बॉडी में जितना बैक्टीरिया होता है ना उसको भी बहुत रोकता है। आप नोटिस कीजिएगा कि केरला में, साउथ इंडियन खाने में, थाई खाने में बहुत ज़्यादा कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल है। उनका जो खाने का मेन बेस ही कोकोनट मिल्क है और आप देखें कि उनमें 90% लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वेट की प्रॉब्लम नहीं है। वो इसीलिए कि क्योंकि वो इस किस्म के खाने खाते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हों, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल से तैयार किए हुए और फ्रेश इंग्रेडिएंट से तैयार किए हुए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो सीजनल हों और उससे आप अगर खाना तैयार करें तो आप देखिएगा कि कितना चेंज आपके अपने खाने में आएगा और आप खुद महसूस करेंगे वो चेंज। तो नाज़रीन यही चेंज लाने के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया गया है जिसमें सिर्फ आपकी हेल्थ जो है वो इन फोकस है और यहाँ पे सिर्फ आपकी वही जो खाने आप इंजॉय करते हैं बाहर, वही खाने हम आपको बताएंगे हेल्दी ऑप्शंस के साथ और वही इकोनॉमिकल खाने जिनमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल के इतने जो इतना हमारे लाइफ की जो पेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी तेज़ हो गई है, उसके हिसाब से क्विक एंड ईजी फास्ट फूड हम आपको बताते हैं जो आप अपने घर में और अपने किचन्स में तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ सबसे ज़रूरी बात कि वो जो खाना हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए वो जल्दी भी हो, मज़ेदार भी हो और सबसे पहली प्रायोरिटी कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट नाज़रीन उबाला आ गया है और जैसे ही उबाला आप देखिएगा कि ये बबल्स साइड में आ रहे हैं उस वक़्त आप बिल्कुल आंच जो है वो रिड्यूस कर दीजिएगा कोई 5 से 15 मिनट तक, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट तक। डिपेंड करता है नाज़रीन के कितनी जल्दी उबाला आता है, जितनी जल्दी उबाला आता है उतनी देर आपने एटलीस्ट उसको पकाना है थोड़ी देर, क्योंकि आप सारा जो चिकन का जो फ्लेवर है हड्डियों का वो आप चाहते हैं कि सारा सॉस में आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो 15 मिनट लगते हैं। तो आपने बिल्कुल हल्की आँच पर उसको 15 से 20 मिनट पकाना है और उसके बाद आपने उसको छान लेना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें उबाला बिल्कुल आ चुका है, उसके बाद हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देंगे। नाज़रीन यहाँ पे जो उसके साथ सर्व किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पे मैंने प्लेटर में बिल्कुल सजाई हुई हैं आपके लिए, आपको मैं बताना चाहूँगी। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें सेक्शन सिर्फ 5 थे तो हम सिर्फ 5 चीज़ें रख पाए, लेकिन अगर ऐसी डिश हो जिसमें 7-8 सेक्शन हो तो उसमें 2 चीज़ें मिसिंग हैं जो कि है कुटी हुई लाल मिर्च और कुछ क्रंची चिप्स, प्लेन चिप्स जिसमें कोई मसाला लगा हुआ ना हो, पतले आते हैं, चिली चिप्स की तरह होते हैं लेकिन उनमें चिली ना हो, तो वो क्रंच ऐड करने के लिए ऊपर से इनमें डाले जाते हैं। अच्छा जी, इसमें नाज़रीन अंडे उबाल के हमने यहाँ पे रखे हुए हैं वो आप सर्व कर सकते हैं, नींबू बहुत ज़रूरी है वो भी सर्व कर सकते हैं, साथ अदरक बिल्कुल लंबी कटी हुई, थोड़ा सा हरा प्याज, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, ये 5 चीज़ों का हमने मिक्सचर यहाँ पे तैयार किया। लेकिन 2 चीज़ें आपने और इसमें शामिल करनी है जो वो है कुटी हुई लाल मिर्च, जिनको थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मिर्चें पसंद हैं वो शामिल कर सकते हैं और ऑफकोर्स उसके साथ वो थोड़ी सी अगर आप चाहें तो उसमें चिप्स भी, क्रंची चिप्स चिली चिप्स की तरह लेकिन उनमें चिली ना हो,
वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर बिल्कुल खाउसवे की टेबल बिल्कुल कंप्लीट है। तो नाजीन यहाँ पे इसको आप देखिएगा अपनी टीवी स्क्रीन्स पे कि यहाँ पे अच्छी तरह उबाला आ चुका है। और अब हम इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे, जैसा मैंने आपको कहा 15 से 20 मिनट। नाज़िम कोशिश ये कीजिए कि अपनी हेल्दी डाइट में, अपनी डाइट में खूब हेल्दी खानों का इंट्रोडक्शन कीजिए, हेल्दी खाने बनाइए, ट्राई कीजिए और इनको इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए ये मज़ेदार खाने तैयार किए जा रहे हैं और आप ही की सेहत के लिए अच्छा होगा कि आप अपने लिए कुछ नए नए खाने ट्राई कीजिए, नए नए हेल्दी खाने ऑप्शंस ट्राई कीजिए, नई जो आजकल नई नई हेल्दी टिप्स हम आपको दे रहे हैं वो ट्राई कीजिए अपने किचन में, ताकि आपकी सहरी और अफ्तारी खूब अपने फ्रेश न्यूट्रिएंट्स और फ्रेश जो सारी इसमें ग़ज़ा है, ग़ज़ाइयत से भरपूर हो आपकी सहरी भी और आपकी इफ्तारी भी। तो नाज़िन यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके सर्व करूँगी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सॉस, ये जो खाउसवे के साथ फिर कंप्लीट होगा आपका फाइनल ये बहुत ही मज़ेदार डिश। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक।